नमस्कार साथियों, आज है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। युवाओं का संबल नहीं बन रही योजना, जयपुर में 12 और जोधपुर में महज एक बेरोजगार पहुंचा इंटर्नशिप करने। आरपीएससी को सीसीटीवी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर सरकार के निर्देश का इंतजार है, बस उनकी ओर से कम्प्लीट तैयारी हो चुकी है। नकल पर नकेल के कानून की मांग, विधानसभा घेराव की चेतावनी। गांव शहर के स्कूल कॉलेज के लिए अलग अलग गाइडलाइन। नियुक्ति देकर नियम बनाना भूली सरकार, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का मामला। नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से, 30 जनवरी तक शहरों के 12वीं तक के स्कूल बंद। बाजार अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। शहरों की शादियों में 50 लोगों की लिमिट। रीट में उर्दू शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग। 8वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू। आरपीएस में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ वो आज होगा। 4 साल का इंतजार खत्म, 32,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आज से। लेवल 2 में अंग्रेजी की सबसे अधिक 5,308 और गणित के 3,908 पद। आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। इसके लिए आरपीएस में आज से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू होगी। और डीओ ऑफिस में पीटीए की काउंसलिंग आज। अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए आवेदन आज से किए जाएंगे। फायरमैन के लिए 1,42,000 आवेदन और एक पद के लिए 237 उम्मीदवार देंगे एग्जाम। फायरमैन व अग्निशमन अधिकारी भर्ती परीक्षा 29 को होगी आयोजित। आज के समाचार यहीं समय। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।